शिवाय। पौष मास शुक्ल पक्ष रविवार प्रतिपदा तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शाम 5:42 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, मजबूत शरीर वाले, अधिक मित्रों वाले, लोकप्रिय, धनी और ऐश्वर्यशाली होते हैं। ऐसे जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाले, श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त, घर अथवा समाज के प्रमुख, किसी विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले, धार्मिक कृत्यों में भाग लेने वाले और सरकारी क्षेत्रों से लाभ पाने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, आपकी दशा ठीक रही, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी धनु राशि में ही चलते रहेंगे, अतः पूरे दिन चंद्रमा की युति सूर्य, बुध और शनि के साथ ही बनी रहेगी। मगर नक्षत्र पूरे दिन शाम 5:42 तक शुक्र का होगा, तत्पश्चात सूर्य का नक्षत्र कायम हो जाएगा, जिससे रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, सरकारी कार्यों में मदद मिलेगी और विभागीय सहयोग जारी रहेगा। मगर सूर्य, बुध, शनि और चंद्रमा की युति के कारण कार्य क्षमता प्रभावित रहेगी। हर काम करने के प्रति अपने मेहनत पर विश्वास और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव, स्वभाव में उग्रता परिलक्षित होगी। पिता और पुत्र के विचारों में मानसिक भिन्नता संभावित है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धैर्य और संयम आवश्यक होगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी और आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। आज का राहु काल शाम 4:30 से 6 तक बना रहेगा, जिसमें किसी नए काम की शुरुआत या कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए आज का समय सक्रियता में कमी और मानसिक दबाव वाला बना रहेगा। हालांकि परिश्रम का केंद्र बिंदु अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना और विकसित करना रहेगा। संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है, मगर बात बात में उत्तेजना का माहौल और वाद विवाद से प्रगति में बाधा भी संभावित है। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और विभागीय सहयोग से लाभ मिलेगा। अध्ययन अध्यापन में अनुकूलता बनी रहेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनुकूल होगा। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र की अधिकतम योजनाएं पूरी होंगी। नई कार्य योजनाओं में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। साझेदारी सफल रहेगी। ससुराल से भी सहयोग व आर्थिक लाभ मिल सकता है, मगर कुछ कामों में आत्मविश्वास में कमी और पहल करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। धैर्य और संयम से काम लेते हुए माहौल को अनुकूल और शांतिपूर्ण बनाए रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धार्मिक भावना बलवती होगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि के जातकों का झुकाव कार्य क्षेत्र और व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति, साझेदारी और आर्थिक लाभ के प्रति केंद्रित रहेगा। साथ ही संभावित यात्राएं भी हो सकती हैं, मगर अनावश्यक चिंता, बेचैनी, भ्रमात्मक स्थिति और मानसिक दबाव भी संभव है। सकारात्मक ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है, जो कि व्यावसायिक अनुकूलता और आर्थिक लाभ को प्रभावित करेगा। मगर विभागीय सहयोग कायम रहेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर विशेष ध्यान रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा और लाभ की स्थिति कार्य क्षमता के आधार पर बनी रहेगी। पहले के चले आ रहे मानसिक दबाव, चिंता और नकारात्मक विचारों में कमी आएगी। अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे, मगर धैर्य और संयम आज भी रखना पड़ेगा। साझेदारी और कार्य क्षेत्र के विस्तार और साथ ही साथ सकारात्मक प्रेरणा और उचित दिशा निर्देश की संभावना बनी रहेगी। अपनी कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए समय अनुकूल है। प्रतिनिधित्व करने की क्षमता और अतिरिक्त कार्यभार बना रहेगा, मगर आपसी संबंधों में मधुरता कायम रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि के जातकों के कामों में सफलता हासिल होगी। पहले की चली जा रही बाधाएं खत्म होंगी। सार्थक पहल जारी रहेगा। हालांकि शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। नई कार्य योजनाओं को विकसित करने और रुके हुए कामों को संपन्न करने की कोशिश जारी रखें। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल है, मगर संतान संबंधी चिंता और विरोधाभास की स्थिति संभावित है। अध्ययन अध्यापन में प्रतियोगी भावना विकसित होगी। प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें।
कन्या राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में सार्थक पहल जारी रहेगी। आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे, मगर पारिवारिक सुख चैन में कमी, मां के स्वास्थ्य की चिंता महसूस होगी। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार महसूस करेंगे और आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे। अधिकतर कार्य पूरे होंगे और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। अध्ययन अध्यापन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातकों को सकारात्मक प्रेरणा और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा, मगर अनावश्यक घबराहट, बेचैनी, निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव भी संभावित है। हालांकि सकारात्मक पहल और व्यावसायिक उत्थान के लिए मानसिकता बनी रहेगी। चंद्रमा पराक्रम भाव में चल रहे हैं, जिसका मिला जुला असर लाभदायक परिस्थितियों को अनुकूल करेगा और कार्य क्षेत्र की अनावश्यक रुकावटें खत्म होंगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अनावश्यक वाद विवाद और बेबुनियाद आरोप की संभावना बनती है, सावधानी अपेक्षित है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र के लिए जोश और उत्साह बना रहेगा। धन संबंधी मामलों में मितव्ययी मानसिकता के साथ साथ आर्थिक लाभ और अपने कार्य क्षेत्र में उठ रही बाधाओं को हल करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखें। हालांकि शंकाओं का दौर और कार्य क्षेत्र की सकारात्मक पहल में मजबूती आएगी, साथ ही संतान के दायित्व की पूर्ति में सहयोग मिलेगा। फिर भी धैर्य और सक्रियता बनाए रखें। खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि वाले जातकों को धन संबंधी मामलों में उतार चढ़ाव और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर वाणी की तेजस्विता और मानसिक सोच प्रभावित रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल और जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। रचनात्मक प्रयासों में मन लगेगा और नए प्रस्तावों में अस्थायी विकास होगा। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। परिवारजनों का सहयोग और उनकी प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के जातक अति उत्साहित महसूस करेंगे और स्वयं के स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा होगी। मानसिक दबाव संभावित है। निजी समस्याओं और संबंधित मामलों में उद्देश्यों की पूर्ति के प्रति आज का समय केंद्रित रहेगा। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा। खर्च की स्थिति नियंत्रित होगी। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी, मगर साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अपनी सुख सुविधाओं और गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश की स्थिति बनी रहेगी, साथ ही आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव और कार्य क्षेत्र के संसाधनों पर व्यय संभावित है। लाभदायी योजनाओं को विकसित करने का समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और यात्रा की संभावना बनती है। अध्ययन अध्यापन के लिए प्रयास जारी रखें। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है, मगर स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। विरोध भी संभावित है। व्यावसायिक विकास के प्रति सब कुछ रुका हुआ सा महसूस होगा, मगर आय संबंधी मामलों में नए विकल्प की मानसिकता सुदृढ़ होगी। मित्रों से सहयोग और उससे होने वाले लाभ के प्रति आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले की कार्ययोजनाएं चलती रहेंगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक पक्ष में सहयोग मिलता रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और सार्थक पहल जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।